जय भीम साथियों, दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने दलित लोगों को भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान उन्हें दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हो। लेकिन इस अवार्ड को पाने वालों में सबसे ज्यादा एक ही जाति का दबदबा है। इस वीडियो में हम भारत रत्न पाने वाले तमाम लोगों का जातिवार विश्लेषण करेंगे। यकीन मानिए, हमें भारतवर्ष के कुछ महान लोगों की जाति बताना बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं भारत रत्न पाने वालों का जातिवार विश्लेषण। सबसे पहला भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालाचारी को साल 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। सी राजगोपालाचारी जाति से ब्राह्मण थे। साल 1956 में ही सर्वोपरि राधा कृष्ण को भारत रत्न से नवाजा गया। सर्वपल्ली भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे। लेकिन अपने छात्र की थीसिस चुराकर अपने नाम से प्रकाशित कराने की आरोपी सर्वपल्ली राधा कृष्णन की जाति भी ब्राह्मण थी। साल 1954 में ही सर चंद्र शेखर वेंकटा रमन यानी सी वी रमन साहब को भी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। सी वी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे जिन्हें प्रकाश के प्रकीर्ण यानी लाइट स्कैटरिंग पर शानदार काम के लिए जाना जाता है। 1930 में इसके लिए उन्होंने फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी जीता था। लेकिन भारत रत्न जीतने वाले रमन साहब का ताल्लुक भी ब्राह्मण कुल से था। 1955 में भारत रत्न के लिए चुना गया डॉक्टर भगवान दास को। भगवान दास भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक थे। डॉक्टर भगवान दास जाति से अग्रवाल यानी बनिया थे। साल 1955 में ही मोक्ष गुंडम विश्वेश्वर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महान इंजीनियर विश्वेश्वरैया हैदराबाद शहर के बाढ़ सुरक्षा प्रणाली के मुख्य डिजाइनर थे। उनका जन्मदिन 15 सितंबर भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया भी ब्राह्मण कुल के थे। साल 1955 में ही भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन आजाद भारत को संभालने वाले नेहरू भी जाति से ब्राह्मण थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत या जेबी पंत को सन 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता जी बी पंत साहब भी ब्राह्मण के वंशज थे। इसके बाद 1958 में समाज सुधारक ढोंडोक केशव कर्वे को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने मुंबई में SNDT महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था, लेकिन ब्राह्मण जाति से ही आते थे। साल 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न मिला। स्वतंत्रता सेनानी और चिकित्सक डॉक्टर बीसी राय का जन्मदिन 1 जुलाई चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर साहब कायस्थ जाति से थे। 1961 में ही पुरुषोत्तम दास टंडन को भी ये सम्मान दिया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए आंदोलन करने वाले टंडन साहब खत्री थे। साल 1962 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर राजेंद्र भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, उनकी जाति थी। इसके बाद साल 1963 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी आते थे। इसके बाद साल 1976 में के कामराज या कुमारस्वामी कामराज को भारत रत्न मिला। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके के कामराज जाति से आते थे, जो कि वंचित तबका माना जाता है। 1980 में समाज सेवी मदर टेरेसा को भारत रत्न सम्मान मिला। अल्बेनियाई परिवार में जन्मी मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा क्रिश्चियन थी। इसके बाद साल 1983 में आचार्य विनोबा भावे को यह सम्मान दिया गया। लेकिन विनायक नारी भावे भी ब्राह्मण थे। साल 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से नवाजा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत और बलोचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।
फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर गफ्फार साहब मुसलमान थे। 1988 में तमिल फिल्मों के अभिनेता और राजनीतिज मारो दुर्ग गोपालन रामचंद्रन को भी ये अवार्ड दिया गया। MGR के नाम से लोकप्रिय रामचंद्रन जयललिता के राजनीतिक गुरु भी थे। उन्हें नायर जाति से संबंधित माना जाता है। इसके बाद 1990 में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया। असंख्य दलितों, आदिवासी और पिछड़ों को इंसान का दर्जा दिलाने वाले बाबा साहब महार नाम की दलित जाति से ताल्लुक रखते थे। इसके बाद 1990 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी सम्मान दिया गया। शालूनी 191 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी भारत रत्न दिया गया। राजीव गांधी का कुल भी ब्राह्मण था। 1991 में ही भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी ये अवार्ड दिया गया। करीब 550 रियासतों को मिलाकर मजबूत भारत बनाने वाले सरदार पटेल पाटीदार समाज से आते थे। 1991 में ही पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी भारत रत्न से नवाजा गया। मोरारजी देसाई ये कैसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन मोरारजी भी ब्राह्मण जाति से आते थे। साल 1992 में भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भारत रत्न मिला। कलाम साहब मुस्लिम समाज से आते थे। 1992 में ही जहांगीर रत्न जी दादा भाई टाटा या JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। टाटा ग्रुप के संस्थापक JRD 1929 में भारत के पहले लाइसेंसी पायलट बनी थी। उनकी मासूम कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत रत्न पाने वाले पहले पारसी थे। 1992 में ही 20वीं शताब्दी के सबसे महानतम फिल्म मेकर्स में से एक सत्यजीत रे को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अरे साहब, क्राइस्ट जाति से आते थे। साल 1997 में गुलजारी लाल नंदा को ही सम्मान दिया गया। गुलजारी लाल नंदा 1964 में नेहरू की मौत और 1966 में शास्त्री जी की मौत के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। नंदा साहब खत्री थे। 1997 में स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसिफ अली को भी ये सम्मान दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फैलाने वाली अरुणा मुसलमान थी। मैं ही मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाद में भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने वाले कलाम मुस्लिम सामान से आते थे। 1958 में सुब्बलक्ष्मी को भी ये सम्मान दिया गया। MS सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार थी और भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। उनकी जाति के बारे में सार्वजनिक जानकारी नहीं है। 1958 में ही चिदंबरम सुब्रमण्यम को भारत रत्न अवार्ड मिला। भारत की हरित क्रांति में है भूमिका निभाने वाले चिदंबरम सुब्रमण्यम से आते थे। 1999 में स्वतंत्रता सेनानी और इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 में मोर्चा खोलने वाले जय प्रकाश नारायण को भारत रत्न से नवाजा गया। JP साहब का इस जाति से आते थे। साल 1999 में ही महान अर्थशास्त्री अमृत सेन को भी सम्मान दिया गया। राव साहब ब्राह्मण जाति से है। 2014 में ही मान क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न सम्मान मिला। सचिन भी ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। 2015 में भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजा गया। राम मंदिर के लिए जमीन समतल करने जैसे बयान देने वाले अटल जी भी ब्राह्मण जाति से थे। 2015 में ही काशी हिंदू विद्यापीठ स्थापित करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय को भी सम्मान दिया गया। वो भी ब्राह्मण जाति से थे। 2019 में 3 लोगों को ये सम्मान दिया गया। जनसंघ के नेता रहे नानाजी देशमुख को भारत रत्न मिला है। लेकिन नानाजी देशमुख की जाति ब्राह्मण है। इसी साल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी अवार्ड मिला है, लेकिन प्रणब दा भी ब्राह्मण कुल में जन्मे है। साथ ही असम के मशहूर गायक भूपेन हजारी का को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भी हैं
आजादी के बाद अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। अगर हम जाति के आधार पर देखें तो इसमें 23 ब्राह्मण है, यानी 47.5% सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग हैं। 11 अन्य हिंदू ऊंची जाति के लोग हैं, 6 मुसलमान हैं, 1 क्रिश्चियन है, 1 पारसी है, 1 विदेशी नागरिक है और 1 नेतृत्व की पुत्री है, 1 असमी द्विज है और 1 दलित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 1 पिछड़ा के कामराज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत रत्न के नाम पर सिर्फ ब्राह्मण रत्न खोजे जा रहे हैं? आजादी के बाद दिए जाने वाले अधिकांश सम्मान और पुरस्कार में सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का ही वर्चस्व स्थापित रहा है। इसमें भारत रत्न भी शामिल है। इसके माध्यम से श्रेष्ठता की घोषणा की जाती है और जन जन के भीतर उनकी श्रेष्ठता स्थापित की जाती है। इसके उलट बहुजन नायक और नायिकाओं की उपेक्षा की जाती है। भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने वाली सावित्री बाई फुले को अभी तक भारत रखना सम्मान नहीं दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।